मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। मुंबई में महंगाई ने आम आदमी का जीना किस तरह से मुहाल कर रखा है, इसका एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है ऑटो वाले। पहले 101 रीडिंग पे 100 रुपया आता था, अब आप कह रहे हैं 101 पे 128 आता है, ऐसा क्यों? सीएनजी जो गैस है, एक किलो में 7.50 रुपए, पहले 24 रुपया। ऑटो वाले के साथ चिक चिक करने के बाद पुनपुन वाली पहुंची मुंबई के सब्जी मार्केट में सब्जियां खरीदने, लेकिन बेचारी सब्जियों के बढ़ते दामों से परेशान है। टमाटर खाएं कि सजाएं? मम्मी सही कहती है, गोल्ड लेके रख लो, सस्ता पड़ेगा। 8 रुपए का मुझे सिर्फ खाने की फोटो अच्छी लग रही है। अब थोड़ा कम कम खाएंगे, डाइटिंग की डाइटिंग, बचत की बचत, यही करना पड़ेगा। सारी दुकानों का मुआयना करने के बाद मेरे ख्याल से पालक यहाँ पे कुछ सस्ती मिल रही है पुनपुन वाली, आप उदास मन मत बनाएं। मैं बहुत गंदा मुँह इसके लिए बना के खड़ी हूँ क्योंकि पूरे मार्केट में इससे भी महंगी महंगी पालक मिल रही है और यहाँ पर सबसे सस्ती है। सब्जी की शॉपिंग के बाद बारी थी फल खरीदने की, लेकिन यहाँ भी फलों के बढ़ते दामों ने सोच में डाल दिया है पुनपुन वाली को। 70 रुपए किलो अखिलेश, उनको आम पसंद है तो 1 किलो 80 रुपए दर्जन, दादी को ये पसंद है 120 रुपए किलो। भाई ये कैसे है? 100 रुपए किलो। और मेरी ड्रेस आई थी, टी शर्ट एक मैंने बैंड्रा से खरीदी थी 70 रुपए में, पीच कलर की, यार कमाल है। फलों के बाद पुनपुन वाली को घर का राशन खरीदना था, लेकिन यहाँ भी वही हाल। हे भगवान, अब क्या करूँगी? मुझे बोला गया था कि 1 किलो तुअर दाल, 1 किलो चना दाल, 1 किलो साबुत मूंग और 1 किलो मसूर की दाल और 2 किलो चावल लाने।